अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर के अच्छे हो गए। तो यार आज से दो तीन दिन पहले मैंने ट्रिप किया था स्पेन का, और उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की थी कि मैं वहाँ पर क्यों गया हूँ, किस वजह से गया हूँ। लेकिन स्टिल बहुत सारे मैसेजेस है कमेंट सेक्शन में कि यार आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, आप यूके छोड़ के क्यों जा रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो। तो यार मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया था, लेकिन स्टिल काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि आप यूके क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो यार मैं यूके नहीं छोड़ के जा रहा, बेसिकली मैं विजिट वीज़ा पर गया था। क्यों गया था यार, देखो मैंने शेंगेन वीज़ा लगवाया था, ठीक है, और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप वो अप्लाई कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और आपको जाना क्यों चाहिए। बेसिकली जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपको जाना क्यों चाहिए, ठीक है, उसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे। तो आज की वीडियो में वो सारा कुछ कवर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इंशाल्लाह दो दिन बाद मेरा दोबारा टूर है पेरिस की तरफ, पेरिस से इंशाल्लाह मैं जाऊँगा इटली। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं, तो भाई स्टे ट्यून, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। तो यार अभी मैं जा रहा था कटिंग करवाने, क्योंकि मैंने वो हेयर ड्रायर वगैरह लिया था, मुझे आजकल हेयर स्टाइलिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो मुझे अभी याद आया कि जब मैं स्पेन के एयरपोर्ट पे गया था तो वहाँ पे स्विचेस बिल्कुल चेंज थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ मोबाइल तक नहीं चार्ज कर पाया। तो अब मुझे याद आया कि अगर मैं वो हेयर ड्रायर भी लेके जाता हूँ तो मुझे उसके लिए सब कुछ लादा पॉट्स वगैरह लेके जानी पड़ेगी। कोई पता नहीं स्टे कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्योंकि पेरिस का जो है वो मेरा तकरीबन दो दिन का ट्रिप है, और उसके बाद इटली है, वो तो वहाँ पे मेरी कज़न है, तो वो तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने सोचा चेंज ऑफ प्लान कि कटिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की करवा लेता हूँ, क्योंकि करवा के तो जाना है ना, फिर तस्वीरें वगैरह बनवानी है वहाँ जाके, यही तो करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और क्या करना है। तो बेसिकली ये बात पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार आप यूके को छोड़ के जा रहे हो। तो यार मैं यूके छोड़ के नहीं जा रहा था, मैं बेसिकली शेंगेन वीज़े पे गया था। अब वो क्यों हम जाते हैं, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है, पहले मैं वो बता देता हूँ। बात यह है कि जब आप शेंगेन वीज़ा पे जाते हो ना, तो आपके स्टैम्प्स लगती हैं जब पासपोर्ट के ऊपर, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है ना, तो आप किसी और कंट्री में, ये लोग मुझे काफ़ी पूछते हैं कि हम यहाँ से आगे कैसे मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है कि जब आपके बहुत ज़्यादा स्टैम्प्स लगी होंगी यूरोपियन कंट्रीज़ की, आपने बहुत ज़्यादा ट्रिप किए होंगे, तो भैया आपको बहुत आसानी होगी, आपके जो वीज़े, आपका जो पासपोर्ट है ना वो हैवी हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसकी वजह से यह है कि आपको ज़्यादातर रिजेक्शन नहीं आएंगी। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार वीज़ा कितनी देर का था, मेरा जो वीज़ा था ना वो 6 महीने का लगा था। अब मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का 1 महीने का भी लग रहा है, ठीक है। तो उन लोगों का कहना ये है कि यार हमारा 1 महीने का वीज़ा लगा है, आपका 6 महीने का लगा है, इसका क्या चक्कर है। तो यार देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंट्री का लगाया, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो 1 महीने का देती हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपको 6 महीने का देती हैं। तो अभी सीन ये है। दूसरा जो सिनेरियो है मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, उसमें ये होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात बता दूँ, मुझे जो लगता है ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी जगह विजिट किया हुआ था, उन्होंने फ्रांस का वीज़ा भी लगाया, तो उनका सिर्फ 1 महीने का लगाया। और जब आप सेकंड टाइम लगवाते हो तब भी वो 1 महीने का लगता है, थर्ड टाइम जब लगवाते हो तब वो 6 महीने या वो 1 ईयर का लगता है, ठीक है। तो मेरा तो फर्स्ट अटैम्प के अंदर ही 6 महीने का लगा, ठीक है। तो ये आपकी अपनी अपनी किस्मत भी है, उनका जो पासपोर्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी था, उनके बहुत ज़्यादा विजिट्स भी थे, मेरा तो कोई विजिट भी नहीं था, मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था जो मैंने यहाँ पर लंदन में किया था। तो इसे आप लक कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहली बात को क्लियर कर दूँ कि यार आपको शेंगेन वीज़ा लगवाना क्यों चाहिए, वो लगवाना ही इसीलिए चाहिए कि भाई आपकी जो है पासपोर्ट की वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ से कनाडा जाना है, यूएसए जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो आपकी इसमें हेल्प करता है। जब आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उनको पता होगा कि यार इसको ट्रैवल का शौक है, तो आप उनको इस तरीके से गेड़ा दे सकते हो। तो यार बात कर लेते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो यार इसके दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो यार किसी ट्रैवल एजेंट से करवा लो, दूसरा ये कि आप खुद कर लो, ठीक है। अब खुद करने में क्या है, खुद करने में कोई मसला नहीं है, इजी वे है, कोई किसी तरह का आपको इशू नहीं होने वाला है। इशू सिर्फ एक ये है कि भाई आप किसी तरह की गलती ना कर दो और आपको रिजेक्शन ना आ जाए, क्योंकि उस सूरत में क्या होता है, जैसे आप लोग पूछते हो कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था तो अब मैं कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ या यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरा किसी तरह का कोई इशू तो नहीं बनेगा। तो इसी तरह मैंने भी यही सोचा कि भाई अगर मेरा रिजेक्शन एक बार लग गया तो बार बार नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरा कोई इशू बन सकता है, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली मेरा जो वीज़ा ना वो चेक करें कि यार लास्ट टाइम इसका रिजेक्शन क्यों लगा था। तो इसी वजह से मैंने खुद नहीं अप्लाई किया। तो मैंने अप्लाई किया भाई ट्रैवल एजेंट से, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट का नंबर अभी मैं आपको नहीं दे सकता, हाँ मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, जब मैं एडिट कर रहा हूँ अगर उनका रिप्लाई आ गया
तो भाई मैं स्क्रीन पर उनका नंबर दे दूंगा, आप लोग उनके साथ रब्ता कर सकते हो। यहाँ इल्फर्ड के पास वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि भाई नहीं सॉरी ना देना, तो फिर मैं वो नंबर नहीं पोस्ट करूँगा। तो आप बात कर लेते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप यूके आ सकते हो तो मेरे ख्याल में आप वो अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। बेसिक इज़ दैट आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर कौन सी आईडी पे हो, स्टूडेंट आईडी पे हो, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हो। सिर्फ बेसिक बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहले तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपको दोबारा से उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद ये डिपेंड करता है, ठीक है, जो मैं आपको नीचे लिंक दूंगा उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी। वहाँ पर आपको हर एक कंट्री का जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है वहाँ का लिंक दिया गया होगा। आपको उसी लिंक को खोलना है जिस कंट्री में आपको अप्लाई करना है। खोलने के बाद उसको सिंपल इज दैट, उसकी पहले आपको मैंने बताया प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल बनाने के बाद उसको दोबारा से लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद उसके अंदर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालो। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे मैं आपको भी बता देता हूँ। आपकी BRP चाहिए होगी, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, उसके बाद आपका स्टूडेंट लेटर चाहिए होगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट हो, आपका टर्म टेबल कब से है, तो वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, टर्म टेबल दे दो उनको, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कम से कम 1000 पाउंड की होनी चाहिए, और ये ज़रूरी है। और इन लास्ट जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास कम से कम टिकट्स होनी चाहिए, जहाँ पे आप जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो वहाँ की टिकट्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होटल की रिजर्वेशंस की जो लिस्ट होती है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो सब कुछ हार्ड कॉपी में लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर फोटो स्टेट करवा के लेके जाना होता है, आपका स्टूडेंट लेटर भी, BRP भी, पासपोर्ट भी, ये सब कुछ ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है, वो वहाँ पर चेक करते हैं। लेकिन आपका ये जो टिकट्स, उसके बाद होटल की टिकट्स, और उसके बाद आपका स्टूडेंट लेटर, ये सब कुछ आपको फॉर्म सब कुछ अटैच करना पड़ता है, जो आपकी फाइल होती है वीज़ा फाइल, तो ये सब कुछ आपको साथ लेके जाना होता है। और अप्लाई करने के लिए भी इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप कहोगे कि यार अगर हम टिकट्स पहले ही बाय कर लें या अपना होटल पहले ही बाय कर लें तो हमें ये तो नुकसान हो जाएगा ना, अगर वीज़ा ना लगा तो हम क्या करेंगे। तो उसका कोई इशू नहीं है, स्काई स्कैनर एक ऐप है, उस पर जाओ, वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। वो बुकिंग से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें बस थोड़े से पैसे, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिटर्न हो जाता है, लेकिन सम टाइम आपको उनके साथ 2 से 5 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये है कि वो अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपको पूरा रिफंड हो जाता है। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि भाई वहाँ से टिकट्स वगैरह बाय कर लो, उनका प्रिंट निकाल लो, होटल का प्रिंट निकलवा लो, क्योंकि वो आपने बुकिंग बहुत आगे की करवानी है, आपको अर्जेंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी दिन आगे, 1 महीने आगे का आपको कम से कम एस्टिमेट टाइम रखना पड़ता है, तो उसके बिटवीन आप उसको बाद में कैंसिल भी कर सकते हो जब आपका वीज़ा आ जाए। और उसके बाद आप जैसे मैंने किया, मैंने बाद में न्यू दोबारा से ले ली थी टिकट्स, क्योंकि मुझे वो सस्ती पड़ रही थी और मुझे उन डेज़ में जाना था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो यार आप बात कर लेते हैं सबसे मुश्किल चीज़ की, जो कि अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको अलहदा से एक लिंक खोलना पड़ेगा, वो लिंक जो है वो नीचे आपको छोड़ दूंगा, आप लोग वो खोल के वहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हो। लेकिन बुकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको 100 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जो है वो आपको बुकिंग नहीं मिल रही। यार मेरे टाइम पे ऐसा कोई मसला नहीं था, मैंने सिर्फ 70 पाउंड जो थे वो एजेंट को दिए थे, ठीक है, उसने मेरा सारा काम कर दिया था। तो अब सीन ये है कि अब वो 100 पाउंड एक्स्ट्रा ले रहा है वो बंदा भी, ठीक है, और वही आपको पे करने पड़ते हैं, आप खुद भी पे कर सकते हो। तो वो उसकी डिटेल्स वगैरह आप लोग, तो यार वीडियो बनाते हुए वहाँ पर पुलिस आ गई, उन्होंने कहा यार ना आपकी ऑडियंस लाइक करती है ना सब्सक्राइब करती है। तो मैंने कहा यार मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा यार कहीं और जाके वीडियो बनाओ, यहाँ ना बनाओ, कोई भी आपका फ़ोन छीन के लेके जा सकता है। मैंने कहा बात आपकी भी ठीक है। तो अब बस मैं कटिंग वगैरह करवा के घर आया हूँ। तो एंड करता हूँ वीडियो को इस बात से कि अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट के बाद आपको एम्बेसी जाके भी पैसे पे करने हैं, वो आपको मेंशन होगा। जिस भी एम्बेसी जा रहे हो, इटली की है बेशक, फ्रांस की है, स्पेन की है, कहीं भी जा रहे हो, तो वो ऊपर आपको मेंशन होगा कि आपको कितने पैसे पे करने हैं। मेरी स्पेन की थी तो मुझे 150 पाउंड उसके पे करने पड़े थे, तो बस इतनी सी बात है। और बाकी जिनसे मैंने काम करवाया था यार, उनका मुझे मैसेज आ गया कि आप मेरा नंबर आगे दे सकते हो, तो स्क्रीन पे मैं उनका नंबर मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये सिंपल था, प्रोसीजर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कितने पैसे लगेंगे देखो, अब 150 तो आपको मैसेज की लग गई है, फिर अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हो तो 70 पाउंड वो लगेंगे, उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, यानी ये टोटल फिलहाल आपके 220 लगे हैं, उसके बाद सिर्फ आपने टिकट लेनी है। वो फिर देखो ना, टिकट के पैसे चलो 80 पाउंड भी लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, चलो 300 एक बार लग गया, नेक्स्ट टाइम जाओगे
तो एडवांस बुकिंग करवा लेना, ठीक है? तो आपके 20 पाउंड, 40 पाउंड, 50 पाउंड, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैंने पेरिस की करवानी थी, तो रिटर्न मुझे 40 पाउंड की पड़ रही थी, तो अभी मेरा 4 दिन का टूर है, तो उसका मुझे ऑलमोस्ट 150-160 के आसपास पड़ा है। और ये बात याद रखना कि चेक इन लाजमी कर लेना आपने 6 घंटे पहले, जब आपने एयरपोर्ट जाना है उससे पहले चेक इन कम से कम कर लेना, नहीं तो वहाँ जाके आपको पैसे ठुक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।